सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सेरेमिक के पॉट। आजकल मार्केट में बहुत ही खूबसूरत सेरेमिक के पॉट आए हुए हैं जिसे आप इंडोर बहुत ही खूबसूरत एक डेकोरेशन पीस की तरह सजा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप बहुत ही खूबसूरत से कुछ ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं जो कि इंडोर ईजीली चलते हैं, जैसे कि मैंने सेंसिविरिया लगाया हुआ है। तो चलिए अभी आपको और भी दिखाते हैं। ये मेरा है वेरिएटेड लीव्स स्पाइडर प्लांट, तो इसको भी मैं भी रिपोर्ट करूंगी। साथ में ये आउल वाला है, तो इसमें मैंने बहुत ही छोटा सा एक प्लांट लगा। ये सिंगोनियम है, क्योंकि जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो कुछ टाइम पहले वो थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है, फिर वो लीव देना शुरू करता है। इसमें मैंने छोटा सा अजवाइन लगाया है, देखते हैं ये चलता है या नहीं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ इसमें छोटी सी कटिंग फिर दोबारा लगाऊंगी मैं। फिश है ये, और ये मेरा डेविल बैकबोन है जो बहुत ही ख़राब हो चुका था, इसकी हालत अब थोड़ी ठीक हो गई है। और यहाँ पे है फाइकस, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, छोटा सा प्लांट लगाया था। सभी प्लांट अभी हरे भरे हो रहे हैं क्योंकि मानसून आने वाला है। तो इसी तरह अपने आस पास सफाई रखें, प्लांट्स लगाएँ और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा हेल्दी बनाएं, क्योंकि प्लांट्स हमारी लाइफ है और हमें भी प्लांट्स की ज़रूरत है, तो प्लांट्स को हमारी ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लांट्स बहुत सारे लगाएं, बहुत ढेर सारे लगाएं। पेड़ पौधे लगाना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ ही साथ हमारे घर के और आसपास का वातावरण जो है वो खूबसूरत भी बनाते हैं। इतने सारे ढेर सारे फूल पत्तियाँ हरी हरी, अगर किसी प्लांट में फूल नहीं भी हैं तो उसकी पत्तियाँ ही इतनी खूबसूरत लगती हैं कि उसको देख के दिल खुश हो जाता है। तो प्लीज़ अपने आसपास सफाई बनाए रखें और पेड़ पौधे लगाएं। साथ में पानी ज़रूर रखें बाहर, जिससे कि कोई एनिमल या बर्ड प्यासा ना रहे। और मिलाती हूँ अपने छुटकी से फिश से जो हम लास्ट वीक लेकर आए थे, और ये भी बहुत ज़्यादा खुश है। लाए तो दो थे बट गर्मी ज़्यादा थी तो एक जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाई, थोड़ी शॉक में चली गई, और ये हमारे पास अभी भी है। तो आज का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर वीडियो में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको मेरा वीडियो किस तरह का लगा। थैंक यू सो